entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below. ये वास्तविकता है कि निम्न वर्ग में अति दलित परिवारों में ज्यादा शिक्षा ना होने का कारण एक यही था कि त्रुटियां रहती थी और वो उच्च स्तर पे नहीं पहुंच पाए। देखिए, शक्ति का नाम दूसरा कंपटीशन है, और जब आप डिटरमिन होते हैं किसी कार्य करने के लिए और इच्छा रखते हैं तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि उसको आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पाथ सोल को कनेक्ट करते हुए सब चीजों को भूल जाइए, कौन आपके बारे में क्या सोचता है। इफ यू रियली वांटेड टू कनेक्ट एंड टॉक टू द सुप्रीम पावर, इट इज विद इन यू। आपके पास एक रुपया है तो ये सोच के चलिए प्रभु ने 40 पैसे या 60 पैसे आपके परिवार के लिए दिए, तो 10-20 पैसे और के लिए भी दिए होंगे। तो वहां लोग झूठन डाल रहे थे पत्तलों पे, तो मिठाई के अच्छे अच्छे पीस जो मिठाई थी वो लुभाती, ये बच्चा था मैं, तो मेरी दादी माँ उनको अट्ठे इकट्ठा कर रही थी, और यकीन माने मैंने भी खाया उसको। नमस्ते, वेलकम टू ब्लेसिंग रेडियो विद कमांडर अंकल। हम लोग इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि इस प्रोग्राम में लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन इन इट्स फुल कलर्स एंड डाइवर्सिटी, लेकिन पर्पज एक ही होता है, वो खोज जिससे ये पता चले कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो आशीर्वाद के लिए तैयार कैसे, दिव्य आशीर्वाद के लिए, उनको ब्लेसिंग्स क्यों मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, वो इस जर्नी में उन्होंने अनुभव क्या क्या किया। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप ऐसी शख्सियत से मिले, ऐसी पर्सनैलिटी से मिले, बात करें, जो आध्यात्मिक रूप से तो परिपक्व है ही, उन्होंने अपने देश की सेवा, अपनी कल्चर, अपना सिविलाइजेशन, संस्कृति सारी दुनिया में ले जाने का बीड़ा उठाया। आज हम जिनसे मिल रहे हैं वो कुछ ऐसी ही देश सेवा में लगे हुए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम श्री ब्रज गवारे जी के साथ बैठे हैं और उनसे उनके कार्यशैली, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां और उनकी अपनी यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गौरव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार कमांडर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, मुझे बुलाने के लिए, इस पवित्र पटल पर मुझे बुलाने के लिए आपका जितना भी हृदय से मैं धन्यवाद करूँ वो कम है। और उसके पास इन शब्दों को मैं मुख से बयान नहीं कर सकता, सिर्फ दिल से महसूस कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गौरव जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बचपन की यादों से प्रारंभ करें और हमें बताएं कि आपका बचपन कैसा था और ये इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। कमांडर साहब, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं कहूँ रुचि पूर्वक मेरी जर्नी है। मेरे माता पिता उत्तर प्रदेश पास में एक गाँव है धनौरा, मैं फिरोजपुर पंजाब बॉर्डर पे जन्मा था और 2 साल का था, मेरी माँ मुझे अपनी दादी के गांव में ले आई और यहाँ मेरा पालन पोषण शुरू हुआ। 5वीं कक्षा की अवस्था में 4थी कक्षा तक मैं गांव में पढ़ा, और एक प्राइमरी स्कूल है जिसकी मैं अभी देखभाल करने की अब चेष्टा कर रहा हूँ। वो बचपन वहाँ बीता और वो जमाना कुछ अलग था। आप जानते हैं कि भारतवर्ष डाइवर्स कल्चर के लिए बहुत पहचाना जाता है, लेकिन डाइवर्स कल्चर के साथ साथ कुछ संस्कृति त्रुटियां उस समय रही जो अब भरपूर हो रही हैं। उसी संस्कृति त्रुटियों का हिस्सा मैं भी रहा। शिक्षा के समय अभाव था, और इस शब्द को मैं नहीं जोड़ूंगा इस समय,
कि एक अलग प्रकार की मुझे वहां पर एक्सपीरियंस मिला, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे पिता ने मुझे पांचवी कक्षा में शहर में प्रवेश कराया। प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल था गवर्नमेंट का, वहां मैं पांचवी कक्षा में आया। और मुझे आज वो भी याद है कि एक शब्द को एक सवाल पूछा था कि टेस्ट हुआ था गणित का, सवाल एक पूछा कि सात गायों का मूल्य तीन भैंसों के मूल्य के बराबर है, यदि एक गाय का मूल्य 240 रुपए है तो एक भैंस का मूल्य क्या होगा। तो गांव में एक अच्छी शिक्षा ये थी, गांव में गणित को बड़ा मजबूत कराया जाता था। तो जितना गुरुजी ने हमसे सवाल पूछा इतनी देर में हमने उसका आंसर निकाल के दे दिया। तो गुरुजी प्रभावित हुए और मेरा पांचवी कक्षा में यहाँ सरकारी स्कूल में एडमिशन हो गया। तो वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई, बारहवीं कक्षा करी, फिर ग्रेजुएशन हमने भगत सिंह कॉलेज से करा इवनिंग में। छोटी उम्र से ही कार्य करने का शौक था और बहुत ही रुचि पूर्वक कार्य करे। मैंने स्ट्रीट से लेके दुनिया का हर कार्य करा, लाल किले पर कोट बेचे, चेने बेची, पान की दुकान लगाई, पटाखों की दुकान लगाई, पढ़ाई करते हुए तो प्रेस में काम किया, अखबारों को बेका, दूध बेका। तो ये सारे जो जर्नी है मेरी जर्नी का, मतलब कार्य मेरी जर्नी का हिस्सा है। और धीरे धीरे मैं सरकारी तंत्र में आया, मेरे पिता ने कहा कि ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, आप रुचि पूर्वक करते रहो, लेकिन शिक्षा एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा तंत्र है जहां आपके आप ज्यादा कार्य कर सकते हैं और अपने परिवार को भी देखते हुए और समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। परिवार की दयनीय स्थिति ये थी कि पहले मैं बताना जरूर चाहूंगा, ये वास्तविकता है कि निम्न वर्ग में अति दलित परिवारों में ज्यादा शिक्षा ना होने का कारण एक यही था कि त्रुटियां रहती थी और वो उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाए, और बहुत ही निम्न वर्ग के श्रेणी में वो कार्य करने लगे, वो समाज कार्य करता है। आज भी वो है, लेकिन आज परिवर्तन आया है, शिक्षा ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया ना शुरू कर दिया है। निम्न और अति दलित समाज के बच्चे भी है, बच्चे उच्च पदों पर बैठ रहे हैं, जिसका योगदान मैं बिल्कुल एक अभिमान से कह सकता हूँ और पूरा निर्भय होकर कह सकता हूँ कि वर्तमान सरकार ने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसकी तरफ रुचि लेते हुए आगे अग्रसर बढ़ेंगे। भारत का नाम भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, ये मेरा विश्वास है, अटल विश्वास है कि भारत एक दिन शिक्षा के क्षेत्र में एक ऊंची पहचान के रूप में आएगा और बनेगा, और वो दिन दूर नहीं जब हम विकसित देशों में बहुत जल्दी कहलाएंगे। तो उसका एक प्रमाण अभी आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष ने जो मेरी कार्यशैली का हिस्सा जो आज बना हुआ वर्तमान में, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं आज संभाल रहा हूँ। मैं कार्यक्रम निदेशक के पद पर भारतीय सांस्कृतिक संगत परिषद में कार्य कर रहा हूँ, जिसका एक अभूतपूर्व कार्य ये है कि वो विदेशों में अपने जिसको मैं कहूँ कि संपूर्ण ज्ञानी लोगों को बाहर भिजवाती हैं और विदेशों में अपने भारतीय अध्ययन का प्रचार प्रसार करते हैं, भाषाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ के विदेशी लोगों में भारत की रुचि के साथ साथ भारत की सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से उनको बता रहे हैं। हमारी संस्कृति जो प्राचीन नहीं अपितु अनूठी भी है, आपने वैदिक साइंस के बारे में पढ़ा होगा, हमारी रामायण, हमारी गीता, हमारे जितने भी वेद, एक हर एक उसके अंदर एक ऐसा सामग्री समर्पित है जो पूरे विश्व पटल पर एक इतिहास बनाते हुए एक तकनीकी रूप से इतनी सूक्ष्म और सक्षम है कि जो अग्रसर होने के साथ साथ व्यापक भी है। मैं इसको सीधी भाषा में कहूं तो आप भारत को विश्व तक ले जा रहे हैं, न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि हर एक तरीके से। दुनिया को ये पता चल रहा है कि हिंदुस्तान है क्या। कमांडर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, आप देखें कि भारत ने शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं तरक्की करी, 140 करोड़ देशवासी जिस देश में रहते हूं। मैं आपको एक बड़ा सा अच्छा ऐसा एक एग्जांपल दूंगा, अभी नवरात्र के दिन थे जी, नवमी के दिनों में माँ के अनेक रूप, नौ दुर्गे रूप सामने आते हैं, और उन दिनों में एक भव्य समारोह आपको जगह जगह देखने को मिलते होंगे। मेरा अपना अनूठा एक मैं एक्सपीरियंस समर्पित करूंगा कि हम तीन मित्र पिछले 15 वर्षों से एक भंडारा आयोजन करते हैं, जिसके अंदर कम से कम 5,000 लोग को प्रसाद की भोग लगाते हैं, सब लोग प्यार से जयकारा लगाते हैं, और ऐसे लाखों समारोह
इस देश में आए दिन कभी गणेश चतुर्थी पर, कभी रामनवमी पर, कभी दिवाली पर, कभी भाई दूज पर, कभी होली पर, तो ऐसे अनेकों तौर, दैट इज कॉल्ड रियल डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया। ये सुंदरता पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता किसी और देश को ऐसा प्रस्तुत करने की मेजबानी रखती है। ये भारतवर्ष जो कि पूरे वर्ष में, पूरे विश्व के अंदर, पूरे चक्रकाल में, मतलब पूरे वर्ष के अंदर अनोखी संस्कृति प्रस्तुत करता है, और उसमें पूरे 140 करोड़ देशवासियों का प्यार समर्पित होते हुए, जिसमें जो आम व्यक्ति है वो उस प्रसाद को ग्रहण करता है। और आज की डेट में कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लग रहा कि जो डेटा सामने आए हैं कि भूखा सो रहा हो पड़पात पे। वाणी जी, इस पे तो हम बाद में आएंगे जरूर, लेकिन पहले वापस से आपके बचपन पे चलते हैं। आपने जैसे जिक्र किया, अभावों में पढ़ाई हुई, आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़े जो सामान्य रूप से आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को शायद ना करने दें, लेकिन ये सब करते हुए पढ़ाई जारी रखी, दादी की गाइडेंस तो थी, लेकिन आपको ये प्रेरणा और ये शक्ति कहाँ से मिली? देखिए, शक्ति का नाम दूसरा कंपटीशन है, और जब आप डिटरमिन होते हैं किसी कार्य करने के लिए और इच्छा रखते हैं, तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि उसको आप प्राप्त भी कर सकते हैं। और वो लॉर्ड सुप्रीम है, उस ईश्वर की शक्ति में ऐसी आपको पंचतंत्र, ये शरीर जो दिया गया है, जिसमें सुनने के लिए आपको कान दिए हुए हैं, स्मेल करने के लिए आपको नाक दी गई है, खाने के लिए पूरा मुख दिया गया है, टंग दी हुई है टेस्ट के लिए, मस्तिष्क जुआ हुआ है, एक प्राणी है इस पूरे विश्व के अंदर जिसको सिक्स सेंस के से भी नवाजा गया है, बशर्ते हुआ आपको विकसित कैसे करनी है, अपने गुरुओं की सेवा करके, अपने गुरुओं का ज्ञान लेके, अपने गुरुओं को समझने में और उस सुप्रीम शक्ति को महसूस करने में। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कार्य ऐसा हो जो अनूठा हो, जो आप ना प्राप्त कर सके या ना अचीव कर सके। तो ईश्वर का जिक्र किया गौर जी, किस समय में आपको ये आभास होने लगा कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों का हाथ है और ईश्वर कहीं है जिसने आपका हाथ पकड़ा है? ऐसा कोई अनुभव था जिससे ऐसी समझ आई हो? मेरे साथ बहुत मिराकल हुए, आपको मैं इस दिशा की तरफ जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब मेरी दादी थी, और मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छी एपिसोड है ये, इस समय इसलिए चर्चा का विषय बता रहा हूं मैं, ये शायद ये आगे मेरे आने वाली पीढ़ी, यंग जनरेशन को बहुत कुछ ज्ञान दे सके। गांव में एक ब्राह्मण की शादी थी, और ब्राह्मणों की शादी में ज्यादातर सात्विक भोजन परोसा जाता था मिठाई के साथ, और मेरी माँ वहां सफाई का काम करती थी, मेरी दादी। जब मैं उनके साथ गया तो वहां लोग झूठन डाल रहे थे पत्तलों पे, तो मिठाई के अच्छे अच्छे पीस, जो मिठाई थी वो लुभाती है, बच्चा था मैं, तो मेरी दादी माँ उनको अट्ठे इकट्ठा कर रही थी। तो मैंने कहा, दादी माँ ये आप इसमें से क्यों निकाल रहे हो? तो उनका, बेटे ये तो बिल्कुल अच्छे पीस है, ये तो हमें खाने हैं। और यकीन माने मैंने भी खाया उसको। जब मैं घर आया तो मेरे फादर आए, वो वीकली गांव में आते थे अपने पिता से मिलने, सैटरडे हाफ डे होता था उन दिनों, और सेकंड सैटरडे हाफ डे होता था, और उसको आते थे, और वो मेरे पिता दादा के साथ रहते थे, एक दिन उनकी सेवा करते थे और हम सारे लोग परिवार के इकट्ठा खाने खाते थे। तो ये प्रश्न मैंने उनसे पूछा कि ये मेरी दादी वहां गई है, क्यों उठा के लाई और क्या इसमें था ऐसा कुछ? तो मेरे पिता ने उस बात को टाल दिया और ये बताया कि बेटे परिस्थितियों को देख के हमें कार्य करना है। तो अब मेरे पिता भगवान शिव के बड़े भक्त थे और मेरे दादाजी भगवान कृष्ण को बड़ा मानते थे और वो बहुत मेहनत भी करते थे, और मेहनत के साथ साथ उन्होंने बकरी पालन और भी चीजों का सीख किया। तो उन्होंने सबसे पहले जब मेरी ये बात सुनी तो मेरी बाप को काम पे जाने से रोका और ये कहा कि अपने घर में मेहनत करेंगे। तो वो दिन प्रेरणा स्रोत बना, मैंने भगवान शिव से एक शक्ति मांगी, छोटा ज्यादा बच्चा, हे प्रभु हमें अपने घर में ही खाने को दे। तो उस स्रोत से ऐसा एक मिराकल हुआ कि मेरे फादर की प्रमोशन हुई, और मुझे नहीं पता वो आध्यात्मिक था या क्या था या चमत्कार था। तो मेरे फादर ने कहा, तुमने क्या शक्ति ऐसी है कि जो लगा? तो मुझे उस तरफ आध्यात्मिक स्रोत एक ऐसा दिखाई देने लगा, और मैं थोड़ी छोटी किताबें भी पढ़ने लगा, छोटी कहानियां। मैं मुंशी प्रेमचंद को अपना आदर्श मानता हूँ, हालांकि उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने झूठन का जिक्र भी किया है, तो ऐसी ये कहानी मैंने भी लिखी है झूठन की।
जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद से किताब में छपेगी। और मैं 16 और 24 कहानियां एकत्रित कर रहा हूँ जो सत्य कथाओं पर आधारित है कि इंसान के जीवन में क्या क्या कठिनाइयां, जिसको हम चैलेंज माने, कठिनाइयां नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उस पवित्र परमात्मा ने सबको ये चैलेंज दिए हैं कि भैया ये आपको पूरा करना है। और वो परम ज्ञानी है, उनको पता है कि जो उसके जीवन में चैलेंजेस नहीं आए, जिसने चुनौतियों को नहीं स्वीकारा, वो शायद परम ज्ञानी उसको जानते कि इस बच्चे में वो या उस इंसान में वो शक्ति नहीं है कि जो उसकी संपूर्णता को पूरा कर सके या उनका अंतर्ध्यान कर सके। तो चैलेंज करने वाला व्यक्ति ही प्रभु की सुप्रीम आत्मा को कनेक्ट कर सकता है और उनका अंतर्ध्यान कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैं अग्रसर आके बढ़ता बढ़ता मुझे आज तक कठिनाइयां बहुत आई लेकिन उसमें सहजता महसूस होती है। और आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते रहे। जी जी जी, ये एक अनुभव हुआ जी। और दूसरा कोई और अनुभव बहुत ऐसे हैं, मैं शॉर्टकट में बता दूं कि ऑनेबल मेरी बेटी की शादी थी, तब तक मैं महाराज जी गुरुवर से मिल चुका था। हमारी एक मेरी बॉस थी मैडम, श्रीमती सूर्यकांति त्रिपाठी, डायरेक्टर जनरल भारतीय सांस्कृतिक सम्मत परिषद, उनके पति एम्बेसडर स्विट्जरलैंड रहे, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड, वो रिटायर होके आए। तो इत्तेफाक से उनका सामान गुम गया था कंटेनर का, तो किसी ने उनसे कहा गुरुजी हैं उनके जाए और शायद कुछ सामान मिलने में सहायता प्रदान करें या आपको वो बता दें स्थिति क्या है। प्रदीप सिंह जी ज्वाइंट सेक्रेटरी होते थे, वो भी हमारे साथ थे, मैं उनके साथ भी काम कर रहा था, डायरेक्टली मैं मैडम सूर्यकांति त्रिपाठी के साथ था। तो उन्होंने गुरुजी को अपने घर पर आमंत्रित किया, हालांकि वो इतना विश्वास नहीं रखती थी। तो गुरुजी आए तो मैडम ने हमसे भी कहा कि एक गुरुजी आ रहे हैं, आप आना पसंद करेंगे तो सेवा होगी और प्रसाद बांटेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा सहायता होगा। तो हम बड़े प्रसन्न थे कि हमें मैडम ने इन्वाइट किया। मैडम ने इस वजह से इन्वाइट नहीं किया, तो वो हमें बहुत प्यार करती थी, उनका गुरुजी के दर्शन के साथ साथ एक संगति होगी, एक आध्यात्मिक शक्ति से हम मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो गुरुजी का वो दिन मुझे याद है, वो स्वरूप भी मुझे याद आ रहा है, जब गुरुजी सीढ़ियों से चढ़ रहे थे तो हम दूर से प्रणाम कर रहे थे और मुझे नहीं पता उनकी एक टीम आई थी शुरू में, और वहां संगति देखते देखते बहुत उच्च स्तर के लोग भी गुरुजी से जुड़ रहे थे, उनके चरणों में थे। तो पहला मेरा वक्तव्य था कि जो मैं साक्षात गुरुजी से जुड़ा और मुझे गुरुजी के चरणों में हाथ लगाने का भी मौका मिला। तो मैंने गुरुजी के पैर मसकने चालू करे और मैं गुरुजी से कुछ कह नहीं पा रहा था, मैं विचलित था, मैं इतनी बड़ी शक्ति है तो मैं क्या। उनमें एक बड़ा अनुभव मैंने किया, एक तेज था और वो बोलते कम थे। जब मैं पैर को दबाने की चेष्टा कर रहा था, उनसे बिल्कुल सेवा कर रहा था, तो उन्होंने मुझे पंजाबी में पूछा तुसी केड़े बैच दे। तो मैंने उनको मुस्कुरा कर कहा गुरुजी मेरा कोई बैच नहीं, मैं मैडम की पर्सनल स्टाफ में काम करता हूँ, एक छोटा सा मुलाजिम, और आपका आशीर्वाद बस बख्शे मुझे, ये मेरे लिए धन्य होगा। गुरुजी ने ऐसा करा और चंगा रवेगा इतना करके मेरे को पंजाबी में बोला, तो मैं बहुत मन ही मन में बहुत खुश था। और मैं शाम को घर आ गया, मैडम के साथ मुलाकात हुई, कुछ दिन बाद वो मैडम को पता लगा, मैडम का सामान भी मिल गया थोड़ा बहुत व्यवस्था में जैसा उन्होंने बताया। विश्वास तो मुझे पहले भी था, मैं आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास रखता हूँ, लॉर्ड शिवा में बहुत विश्वास रखता हूँ, जैसा कि मैंने बताया मेरे ग्रैंडफादर भगवान कृष्ण भक्त थे और उनकी लीलाएं निराली थी, उनके साथ मैंने देखा कि समाज के बहुत लोग जुड़ते थे, जबकि हमारा कार्य दूसरे रूप का था, लेकिन मेरे घर पर ब्राह्मण जाट क्षत्रिय वैश्य सभी लोग उनके दर्शनों के अभिलाषी रहते, तो एक मिराकल था, तो वो भी एक चीज थी। तो मेरा पुराना बचपन से ही एक प्रभु सत्ता में विश्वास रहा है, जिसको मैं संपूर्ण अंतर हृदय से मानता हूँ और आज भी मानता चला रहा हूँ। और ये आगे बढ़े इससे पहले एक सवाल का जवाब और जी, अब जब उन कठिन परिस्थितियों में बचपन से गुजर रहे थे तो कभी, और जब ईश्वर का भी पता चला और पता चला डिवाइन है, तो ऐसे शिकायत नहीं हुई कि हमारे साथ ऐसा क्यों, या ये समझ अपने आप से आ गई, जैसे आपने कहा कि चैलेंजेस उन्हीं को मिलते हैं जो जिन्हें ईश्वर इसके लायक समझता है। मैं इसमें भी एक बात पूरे फक्र से जोड़ना चाहूंगा, क्यों उस ईश्वर शक्ति ना आपको
कब इतना मजबूत बना देती है, तो वो कठिनाइयां आपके सामने बड़ी सूक्ष्म हो जाती है और उसको ओवरकम करने के लिए आपको जरूरत नहीं है उसको इतना फेस किया जाए। वो प्रभु अपने आप में यदि एकमात्र शक्ति है और आप बाकी सोल कनेक्टेड हैं, तो मैं ये लिख के दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं जो कि आप उसको महसूस कर सके। कठिनाइयां तो एक हिस्सा है। मेरे फादर की रीनल फेलियर किडनी हो गई। वो नॉन अल्कोहलिक थे, सिगरेट नहीं पीते थे, शराब नहीं पीते थे, कोई और उनके अंदर ऐब नहीं था उन दिनों में। और मेरा पूरा समाज, मेरे मित्र, हर समाज के लोग, कम से कम 22 यूनिट ब्लड होली फैमिली में मेरे मित्रों ने, मेरे समाज ने दिया। मेरे बॉस शिवशंकर मुखर्जी, DGICCR सेक्रेटरी लेवल के लोग, उन्होंने मुझे इतना जोड़ा, इतना इतना उत्साहित किया कि बेटे आप में शक्ति है, आप अपने पापा की सेवा कर सकते हो। तो वो तो सूक्ष्म मतलब साक्षात्कार जुड़े हुए थे। जो सेवा पत्र मिला और मेरे पिताजी का जिस दिन अंतिम सांस था, आप यकीन माने भगवान शिव उस दिन दूध पी रहे थे, कैसी वो प्रथा चली थी उस दिन। तो उस दिन जब अंतिम सांस ले रहे थे, उन्होंने हम दोनों भाइयों को बुलाकर कहा कि जाओ सुखम भवती, ऐसे कहा उन्होंने, आशीर्वाद दिए। तो मुझे साक्षात ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र मेरे दिमाग में आज तक समाया हुआ है। तो मैं तो किसी चीज की ये भी नहीं लगता कि मैं कहीं किसी परिस्थिति में आऊंगा और मैं वहां गिर जाऊंगा, मुझे नहीं लगता है। जब आपके साथ एक आध्यात्मिक और एक प्राकृतिक शक्ति जुड़ी हुई है ना, आप यकीन माने आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रांत को, अपने राज्य को, किसी भी लेवल पे, इवन अपने देश में एक ऐसी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पूरे संसार को बदल दे, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति हो तो वो भी बदल सकने की इच्छा पूर्ति रखता है। आपका ये ज्ञान बहुत बहुत परिस्थितियों में इतना लाभदायक हो जाता है कि जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट देने में बहुत लाभदायक होता है। जी, एक बात और, कुछ करते हैं ईश्वर के उपासना के रूप में या बस हनुमान जी की तरह से हृदय में धारण करके अपनी कामों में लगे रहते हैं? मैं आज तक मैंने अपने आप को सार्वजनिक नहीं किया। भारतीय व्यवस्था कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि कोई भी आम व्यक्ति यदि कुछ उच्च स्तरीय कार्य करता है तो उसको आने में कठिनाइयां होती हैं। मतलब उसकी पब्लिसिटी में, लोग कहते हैं पब्लिसिटी कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं अपने पॉलिटिक्स में आने की एक छवि बनाने की चेष्टा है, कुछ लोग कहते हैं कि लाइमलाइट में आने की चेष्टा है। तो मेरा इन सभी सभी साथियों से, सभी नागरिकों से एक अनुरोध है कि अपने आप को एकाग्र करते हुए, इंटेग्रेटेड करते हुए, पाथ सोल को कनेक्ट करते हुए इन सब चीजों को भूल जाइए। कौन आपके बारे में क्या सोचता है? इफ यू रियली वांटेड टू कनेक्ट एंड टॉक टू द सुप्रीम पावर, इट इज विद इन यू एंड आपके सामने खड़ी हो जाएगी वो, और वो आपको मार्गदर्शन ऐसे करती रहती है कि जैसे नहीं यार मृत्यु क्यों कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, सामने कौन है, वो भी तो प्राणी है, वो उनका ज्ञानपन उनको ले जा रहा होगा इस तरफ। आपको प्रभु ने समर्पित किया है, वो ज्ञान तंत्र को खोलो और समझो और उन बुराइयों को दूर करने की चेष्टा अपने आप ही होती रहेगी। वो बुराइयां नहीं है, वो ईवल से एक परत है जो अपने आप हटके ना फूल की तरह, जैसे आप देख रहे हैं कमल कीचड़ में से खिलते हैं, तो उस कीचड़ में से यदि कमल खिल सकता है तो आपके तंतु, ज्ञान तंतु क्यों नहीं खुल सकते? ये तो एक परत है ईवल, और उस धुंध को उजियारे में बदलने का काम उस सुप्रीम पावर का है। आपको तो केवल एकांत चाहिए बस। मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहता हूं और यकीन माने कई बार ऐसा भी हुआ है कि कहते हैं महालक्ष्मी का प्रकाश बहुत जरूरी है आपको अध्ययन करने के लिए, आपको समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए। ऑफ कोर्स महालक्ष्मी बहुत एक निपुण देवी है जो कि संभ्रांत संस्कृति के साथ साथ आपके धरोहर का प्रतीक है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि की प्रतीक है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा, आपका प्रयत्न यदि वो प्रभु है आपसे जुड़े हुए हैं तो माँ लक्ष्मी वहीं स्थिर होती है। माँ लक्ष्मी चंचल रूप बनाई गई है, संस्कृति के अनुसार माँ लक्ष्मी चंचल है। यदि चंचल है, एक घर से दूसरे घर में नहीं जाएंगे, दूसरे घर से तीसरे घर में नहीं जाएंगे, तो कैसे विकास करेंगे, कैसे लाइटिंग ऑफ लैंप को जलाएंगे? तो सबके घर में उनका विकास होना जरूरी है, उनका सम्मिलित होना जरूरी है, उनका प्रवेश होना जरूरी है। कहीं ज्यादा ठहरती है, कहीं कम ठहरती है। तो ये मानना मेरा ये है कि इन चीजों को ध्यान ना देते हुए वो कर्म करने की शक्ति हमें होनी चाहिए। और जब माँ ने प्रवेश करना होगा तो आपको आएंगे अध्ययन रूपी आएंगी, वो समर्पित रूप ही आएंगे और आपके परिवार को कहां से कहां पहुंचा जाएंगी। और वो ज्ञान रूपी आती है, वो पैसे रूपी भी आती है,
आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व करना है तो वो पैसा आपके पास रखा रहेगा, उसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं, तो ये तो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर, और इच्छा शक्ति सोल कनेक्टेड है तो आप अभी बुराई की तरफ जाएंगे नहीं और आप ये सोचेंगे नहीं। आने वाला प्राणी आपके सामने है, कुछ भी बच्चा कर रहा है सामने। कई बार मैं जाता हूँ, मैं मेट्रो से सफर करता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ बहुत अच्छी, बहुत लोग मांग रहे होते हैं, माताएं बहनें देखती रहती हैं, कई बार मुझे अपनी माँ की छवि जैसी औरतें मिलती हैं और मैं देखता हूँ, कई बार मैं हुआ कि जैसे मेरी जेब में पैसे नहीं तो मैं आगे आ गया, देन आई रियलाइज कि नहीं, गॉड कनेक्ट मी, और आप यकीन माने वो उसके जो नसीब में वो जाएगा, एंड समटाइम आई हैव गॉन बैक, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर के आया और जो भी मुट्ठी में माँ का प्रसाद मुझसे बना मैंने उनको दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को वो कर रहा हूं, बट इट इज रियली ओबवियस सिम्टम्स विद इन यू के यू आपको ईश्वर कनेक्ट करता है, ये सुपरस्टिशियसनेस नहीं है, इट इज द कनेक्शन। मैं आपको ये दृढ़ निश्चय से कह सकता हूं, लोग बहुत जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, शिक्षा देते हैं, किताबें बांटते हैं, स्कूल खोल रहे हैं, लैक्स ऑफ पीपल जो रिच, आपको मैं उदाहरण दू, बहुत बहुत हमारे देश में कितने रिच लोग बिलियनर हैं, वो भी किसी ना किसी रूप में गरीब कल्याण योजनाओं में अपने आप को लगाए हुए और अपने आप को समर्पित किए हुए। तो कनेक्शन इज कम्स थ्रू द सोल, उनको क्या है, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ी खा सकती हैं, उनको जरूरत नहीं है कि किसी गरीब को दे तभी हमें दुआ लगेगी, लेकिन वो जो कनेक्शन है सोल कनेक्शन वो उनके अंदर भी है और आपके अंदर भी है। आपको बताया गया कि आप भैया ये समर्पित कर दीजिए, उनको बताया गया ये समर्पित कर दीजिए, तो अपना अपना काम करती है सोल, मेरा ये मानना है। बहुत खूबसूरत, और एक चीज मैंने जो समझी वो ये कि मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही आएगा, और आएगा नहीं आएगा इसकी चिंता के बिना अब बस अपना कर्म किए जाए और पूरी मेहनत से करें। देखिए वर्क इज वर्शिप, जो हमारे पूर्वज बोल के गए हैं, जितने भी कोट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं और ये सत्यापित होते हैं, आपकी कार्यशैली और आपका कर्म आपको कुछ ना कुछ विंडो खोलता है और वो प्रभु देखते हैं, वो देख रहे हैं कि ये मेरा शिष्य, ये मेरा भक्त, जिसको हमने अनेक रूपी परिभाषाएं दी हैं, और मैं तो एक कहूंगा एक साधारण इंसान, वी आर द पार्टिकल्स, वी आर द क्रिएचर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, सच ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, सच ए ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स दैट गॉड हैज गिवन यू। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सारी तंत्र आपके विद इन द पावर्स हैं, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, कार्य करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं, सांस लेने के लिए आपका हार्ट दिया हुआ है, सब चीज आपको इंटैग्रेटेड इंटैक्ट दी हुई है प्रभु ने, कितनी सुंदर बॉडी सोल दिया हुआ है, और हम उसका यदि सदुपयोग करें तो मेरा ये मानना है कि आपके पास किसी भी चीज की कोई ऐसी इच्छा नहीं बचेगी जिसको आप कहें कि नहीं यार मैंने ये नहीं किया, बशर्ते आपको आप प्रभु से जुड़ने की इच्छा। वो प्रभु कौन है, वो सोल है, सुप्रीम सोल, जो आपकी सराउंडिंग्स में है, जो आप महसूस करते हैं, दैट इज विद इन यू। समटाइम्स यू टेक्स ड्रीम्स, समटाइम्स आप मंदिर में जाते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आप चर्च में जाते हैं, और बिलीव करें जो जो आप सोचते हैं वो सोचने शक्ति एक जैसी ही होती है और वो एक जगह कनेक्ट होती है। आप क्या मांगते हैं उनसे, यही मांगते हैं प्रभु मुझे शुद्धि बुद्धि शुद्ध समृद्धि देना, मेरा अंतिम जब रूप आए मैं अपने कार्यों को शुद्धि रूप से पूरा करने ही मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मेरे परिवार का ख्याल रखना, उनको कोई कठिनाई ना हो, ये ज्यादातर आमतौर की चीजें हैं और शायद यही मांगते हैं लोग, उससे भी अलग मांगते हैं तो नहीं मुझे आध्यात्मिक मोक्ष चाहिए, तो फिर लोग अज्ञातवास में चले जाते हैं, लोग संत बन जाते हैं, लोग दूसरी दीक्षा में चले जाते हैं, मुझे समाज कल्याण के लिए जुड़ना है, लेकिन मेरा ये मानना है आप ग्रस्त जीवन को रखते हुए भी आप समाज कल्याण में अंतर्निहित हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने आप को बिल्कुल झोंक सकते हैं उसमें और अपने परिवार का भी संपूर्ण रूप से संचालन कर सकते हैं। आपके पास एक रुपया है तो ये सोच के चलिए प्रभु ने 40 पैसे या 60 पैसे आपके परिवार के लिए दिए तो 10-20 पैसे और के लिए भी दिए होंगे। बहुत बहुत सुंदर। एक अब हम लोग बात करते हैं आपके काम की। जैसे मैंने शुरू में कहा कि
अब भारत की संस्कृति को, भारत के ज्ञान को विदेशों में फैलाने का संगठित काम करते हैं, और ये ही आपकी सेवा भी है और ये आपका काम भी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप भारत सरकार के लिए भी इस काम को करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग। मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूंगा कि ये, क्योंकि इसमें मैं भारत सरकार की एक संस्था के लिए कार्य करता हूँ, और ये व्यक्तिगत मेरा वो है। मैं क्योंकि ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो ऑफिशियल है उसके लिए हमें परमिशन के दायरे में रहने पड़ते हैं। भारत सरकार के कुछ नियम और कानून है, उनका हमें हमेशा हृदय से पालन करना चाहिए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य भी है कि मैं इसको बता पा रहा हूँ, क्योंकि जिस संस्था में मैं कार्य करता हूँ वो बहुत ही सुंदर है, उसकी कार्यशैली बहुत सुंदर है। वो देश में नहीं विदेशों में अपनी संस्कृति और धरोहर का प्रचार प्रसार इस तरीके से कर रही है जिसकी हमें आज के युग में पहले से ही आवश्यकता थी, लेकिन आज के युग में अत्यधिक आवश्यकता है। उनको उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेशों में अपने केंद्रों द्वारा वहां पे संस्कृति का विकास कर रही है। हमारी जो कल्चरल संस्कृति है, हमारी जो आध्यात्मिक संस्कृति है, जिसमें हमें अनेक एक्टिविटीज को करने का मौका मिलता है, जैसे हमने केंद्रों में स्थापित करके हमारी संस्कृति, हमारी नृत्य संस्कृति का, हमारी प्रकर्षण संस्कृति का, इंस्ट्रूमेंटल संस्कृति का, जो हमारा संगीत है, उनके लिए हमने वहां पे टीचर स्थापित किए हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देखने को मिला है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विदेशी लोग अब संगीत को और हमारे नृत्य संगीत को और हमारे वास्तविक संगीत को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक रूप से साइंटिफिकली प्रूफ भी है। आपने सुना होगा एक बार तानसेन तबला बजा रहे थे और बारिश हो गई थी जी। तो आज की डेट में हमारे पास ऐसे ऐसे विद्वान लोग जो परकशन में हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल हैं, पंडित रविशंकर लीजिए, अमजद अली खान साहब लीजिए, बिरजू महाराज जी अभी स्वर्गवास हुआ है, सरस्वती जी लीजिए, बहुत ऐसे ऐसे जौहर अली खान साहब लीजिए, मतलब जिनका मैं नाम क्या लूं, उनको समर्पित है, बिस्मिल्ला खान साहब लीजिए, हमारी संस्कृति में ऐसे लोग जुड़े जो सोल हैं, है ना, भजन सपूरी साहब लीजिए, जिनका ऐसे व्यक्ति हैं जो संसार के लिए छाप छोड़ के गए और उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस की जर्नी से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से इसमें एक ज्योत प्रज्वलित की है संस्कृति, जो आप हम विदेशों में बखेर रहे हैं। इसी प्रकार से आप एक्सीलेंस में लीजिए, एकेडमी के हमने इंडियन स्टडीज में हम हिस्ट्री पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हम ह्यूमैनिटीज पढ़ा रहे हैं, हम लैंग्वेज में हिंदी को पढ़ा रहे हैं, संस्कृति को पढ़ा रहे हैं, तमिल को पढ़ा रहे हैं, उर्दू को पढ़ा रहे हैं। तो ये सारा ज्ञान, और हम विज्ञान में भी आगे अपने आईटी क्षेत्र में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार बताया कि हमारा देश अभी चंद्रयान पे पहुंच गए, तो हमारा क्षेत्र आईटी में, मेडिकल में, इनके अंदर तो इतना अग्रसर हो चुका है कि आने वाली मेरे ख्याल से हम पूरा लॉर्ड कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट हम एक विकसित देशों की श्रेणी में तो आएंगे ही, और हमारे से पूरा विश्व इन सर्विसेज के लिए लेने के लिए हमेशा आता रहेगा। तो जो सपना हमने, हमारी जनरेशन ने विश्व गुरु बनने का देखा था अपने देश के लिए, वो साकार होता हुआ दिख रहा है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि वो दिन दूर नहीं कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, और हमारे पास ज्ञान के साथ साथ हमारी जो 140 करोड़ देशवासी लोग हैं उनकी मेहनत, अंतर ज्ञान के रहते हुए हमारे हुक्मरान जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी सही शैली, उनके सही नियंत्रण, उनकी सही योजनाएं इस कार्य को विश्व गुरु बनने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील हैं, और मैं बहुत जल्दी वो सपना, हम रहे ना रहे, हमारी यंग जनरेशन उस सपने को साकार करेगी और उसका पूरा आनंद उठाएगी, और एक दिन हम विश्व के अंदर, भारतवर्ष जो प्राचीन साल में था, जिस समय 28% जीडीपी भारत वर्ष की होती थी, वो एक दिन जरूर दोबारा आएगा। और इन शब्दों के साथ मेरा ये मानना है कि हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे। कौरे जी, आपने एक बहुत सफल जीवन जिया है, मैं बहुत प्रभावित हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारी जो
आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपके जीवन से प्रेरणा लें, और मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें क्या कहें। प्यारे साथियों, खासतौर पे मैं युवा साथियों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि अपने आप को आध्यात्मिक बनाएं, स्पिरिचुअल बनाएं और गुरु ज्ञान से जुड़ें। अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए गुरु का चयन जरूर करें, और मेरा ये विश्वास है कि आप जिस दिन गुरु का चयन करेंगे, उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, वो दिन दूर नहीं कि आप उनकी ब्लेसिंग्स पाएंगे। और ब्लेसिंग्स में आपकी सर्वम शक्ति समाई होती है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन, आपका भौतिक जीवन, आपका स्पिरिचुअल जीवन सबको संपूर्ण करने में गुरु का आना जरूरी है, और गुरु को तन मन धन से जोड़ना जरूरी है। प्यारे मित्रों, उनके मोक्ष के लिए गुरु के ज्ञान, अपने मोक्ष के लिए गुरु का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में एक ज्ञान गुरु के लिए एक अपना स्थान बनाएं, अपने दिल में उनको बसाएं, और अपने बच्चों को भी शिक्षा दें कि गुरु ज्ञान बचपन से ही लें, और जब बचपन से आध्यात्मिक हो जाएगा, मैं ये बता सकता हूं कि वो आगे वाले आने वाले अपने समय में वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे गतिशील रहेंगे, और उनको ऐसी एक आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ एक अनूठा रूप उनके अंदर देखेंगे, जो देश को ही नहीं, जो अपने आपके घर के विकास के लिए नहीं, आपके प्रांत के लिए, आपके समाज के लिए और अपने देश के लिए बहुत ही गतिमान सिद्ध होगा। कमांडर साहब, मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी, माननीय गुरु जी वो मार्गदर्शक हैं और वो परम ब्रह्म है, भगवान शिवांश है। मेरे जीवन में अनोखे मिराकल हुए हैं, मेरी बेटी के साथ मिराकल हुए हैं, अभी मेरी बेटी को बेटा जन्म है, वो उनकी गुरुजी की देन। देयर वाज ए डॉक्टर गुजराल इन गंगाराम हॉस्पिटल में, उन्होंने एक सप्ताह पहले तक ये कहा था, इट इज सच ए सीरियस एंड कॉम्प्लिकेटेड केस विच गुरुजी ड्रेन्ड एंड मेक इट इजी कंफर्टेबल टू माई डॉटर एंड विद देयर ब्लेसिंग्स नाउ बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और ऐसे बहुत मिराकल है जो मैं शायद रात भर बताता रहूं और वो कम नहीं होंगे, तो मेरा मानना है और मैं उनकी ब्लेसिंग से आज आपके समर्पित उनके चरणों में हमेशा ध्यान मग्न लगा के रहता हूँ और अपनी आत्मा को जोड़ के रखता हूँ। निस्वार्थ सेवा करें, कभी भी किसी कार्य करने से पहले ये ना सोचे कि मुझे इसका क्या लाभ होगा, वो गुरुजी ने निर्धारित किया हुआ है। आपको मार्गदर्शन के लिए गुरुजी यदि अग्रसर कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा ब्लेसिंग गुरुजी का यही है कि आपको वो अग्रसर कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर कभी संकोच ना करें और बिल्कुल दिल खोल के कार्य करें। आपके साथ बात करने में बहुत आनंद आया, टोपी आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जीवन की सफलता की कामना के साथ प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। एंटायर टीम ऑफ ब्लेसिंग रेडी इज प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद एनीथिंग विल डू, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। इफ यू वुड लाइक टू बी एसोसिएटेड विद एनीथिंग विल डू, प्लीज फॉलो द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।